तो फाइनली अभी यहाँ पे और ये एरो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स बिहारी बाइकर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो गाइस, बहुत टाइम से मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि कंकड़बाग की तरफ राइड करने को लेकर के। कंकड़बाग भाई पटना में ही है जहाँ से मैं हूँ। तो मैं एक्चुअली हूँ सगनामोड़ साइड से और जो कंकड़बाग है वो एग्जैक्टली दूसरे साइड पे है। तो बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग उधर जाते हैं। बट गाइज, मेरे को कमेंट आया था कि कंकड़बाग साइड में भी एक राइड करो। तो गाइज, अभी फाइनली आज हम लोगों ने प्लान किया है कि संडे राइड जो हमारा है वो अभी कंकड़बाग से ही स्टार्ट होने वाला है। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स थे जो मिलना चाहते थे। तो गाइज, अभी हम लोगों ने लोकेशन रखा है चाय सुट्टा बार कंकड़बाग का। एक्चुअली ये मेरा लोकेशन नहीं है, उन्हीं लोग का लोकेशन है। तो बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, चलो फिर पहुँचते हैं। 5 बजे का टाइमिंग है, एक बार हम लोग पहुँचते हैं लोकेशन पर, फिर आपसे बातें करते हैं। हमारे भी कुछ फ्रेंड आ रहे हैं और एक ऐसा फ्रेंड आने वाला है जो आपको 2-3 महीने के बाद दिखने वाला है ब्लॉग में। और गाइज, वो चले गए थे अपने कॉलेज। तो चलो अभी पहले उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कुमरार, और कुमरार में मैं किस आदमी से मिलने जा रहा हूँ अभी आप देख लो। और कुछ खड़े हैं A2 बाइकर अपने, क्या हाल चाल? बाप रे, कावासाकी, लेट द गुड टाइम रोल। तो ये होता है भाई जोश। तो चलो अभी यहाँ से, अभी हम लोग का यही प्लान है कि निकलना है चाय सुट्टा बार के लिए, और अभी इनको पिक की करते हैं और निकलते हैं हम लोग भी चाय सुट्टा बार। तो चलो गाइज, अभी मिलते हैं फिर आपसे सीधा चाय सुट्टा बार के पास। अभी अपने जेरी को चला रहे हैं आकाश भैया और मैं बैठा हूँ पीछे। सो गाइज, अभी जिस रास्तों में मैं चल रहा हूँ, जिस गलियों से मैं गुजर रहा हूँ, बचपन की याद मुझे दिला दे रही है। क्योंकि गाइज, इसी रास्ते से मैं इधर से राइड घूम के और बहादुरपुर घूमती होते हुए मैं अपने स्कूल जाता था। शाबाश, अब तो आप इशारा दीजिएगा ही, स्कूल की जगह भी ये लोग हमको कहीं और भेज देते हैं। तो गाइज, अभी इन रास्तों से ही मैं स्कूल जाता था और ये पूरा बचपन मेरा रिकॉल हो रहा है। एक्चुअली मैं पीछे कांटी फैक्ट्री में ही रहता था अपनी बड़ी मम्मी के घर में। बाकी अभी सौरभ भैया भी आ चुके हैं अपाचे पे, और ये पुलिस बदमाशी तो इनकी बदमाशी चालू है। तो गाइज, पीछे बैठने से अभी एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जब बाइक अपनी एक्सेलरेट हो रही है तो पब्लिक का रिएक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि अभी अपन पीछे आगे मुड़ के देख सकते हैं। हेलो हेलो, अरे हाँ, हमको पता नहीं है कहाँ पे, वापस आ रहे हैं हम। आसल के पास आई है। कहाँ पे? आसल लोक। आसल लोक वहीं पे चाचा बार है बगल में। आस्था लोक, आपको देखे हम एक जोर से आवाज सुने। अरे हम लोग केंद्रीय विद्यालय वाले रोड पे, एकदम एग्जैक्ट रोड पे हैं। इधर से लेफ्ट है या राइट है? रुकी आ रहे हैं। आइए आइए, हमारे इधर रास्ते में ही था, अभी हम लोग इधर ही पार करते हुए चले गए थे। और इतना ज़्यादा हम लोग लीन थे अपने राइडिंग और ड्राइविंग को लेकर के, और मैं पकड़ के बैठा था तो पार कर गया। भाई अपना एग्जॉस्ट सुना था और आ गया था, और भाई अभी वो आ रहा है, पैदल ही था, बस सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं, अभी वो आ रहा है। और एक बार भाई आता है तो अभी हम लोग अच्छे से उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, और फिर गाइज आपसे बातें करते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग रुके हुए थे चाय सुट्टा बार में, और फाइनली अभी यहाँ पे अभी ये क्रैश हो जाता, अभी बच गया भाई, आराम से ब्रेक मारा करो। और भाई अभी यहाँ पे अपने स्ट्रीट बर्नर और बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो ठीक है, मिल गया, अच्छा लगा, फिर आते हैं। तो भाई अभी हम लोग निकलते हैं, चलते हैं अभी राइट पे, और आज लगता है विली आने वाला है थोड़ा बहुत। तो भाई आज आपको भी देखने के लिए मिलेगा विली G900 पे। और चलो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि अभी देख लो लाइनअप हो चुका है। एकदम मिलते हैं, ठीक है, एकदम। तो भाई का गृह प्रवेश है, बता दे, सबको आ जाएगा, ठीक है, चलो। तो गाइस अभी चलते हैं, बस समझ जाइए कि हम पीछे हैं और मेरा जिंदगी आपके हाथ में, आराम से चलिएगा। भाई साहब, ये सब देखिए, ये सब है आउट ऑफ द सिलेबस। तो भाई आज सारे मोटो ब्लॉगर्स ऑलमोस्ट एक साथ हो गए हैं,
और जिसको गंगड़ बाग का ब्लॉग चाहिए था भाई खुश हो जाओ, देख लो पूरा गंगड़ बाग ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज तो पीछे मुड़ मुड़ के रिकॉर्ड होगा आज अपनी जेरी आकाश में। ओ भाई साहब अभी मैं प्रॉपर मज़े ले रहा हूँ अपने एग्जॉस्ट की, सच बता रहा हूँ मैं प्रॉपर मज़े ले रहा हूँ अपने एग्जॉस्ट की और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई अभी पब्लिक रिएक्शन देखने में। और ये नज़ारा अपना तिरंगा भारत माता की जय, और भाई ये हनुमान मंदिर पटना का फेमस। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग अटल पथ की तरफ आ गए हैं और अभी अटल पथ पे तो भाई व्हीली आएगी ही आएगी। ओ भाई तो ये व्हीली थी, आज अलग मोड में ब्लॉगिंग चल रहा है एकदम। भाई आज प्रॉपरली मैं एक कैमरा मैन हूँ और हर एंगल से मैं रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ, बाकी पीछे घूम घूम के मजा आ रहा है। और ये देखो बूम 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 बूम, ये साउंड और ये एरो, ओ और ये एरो, ओ एक और विली भाई साहब, आज विलियाँ ही विलियाँ हैं। साहब ये था स्ट्रीट बर्नर का बर्निंग टायर और भाई यहाँ जूम करके बर्न करती हुई निकली है अभी टायर यहाँ पे। भाई आज तो अलग ही लेवल का मजा आ रहा है ब्लॉग में, मतलब कि आज कैमरामैन प्रॉपर। तो भाई कैमरामैन बिहारी बाइकर के साथ ए टू बाइकर साथ में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं स्ट्रीट बर्नर। और ये भाई ये जो लीन आ रही है तो गाइस फाइनली सब जगह से घूम के हम लोग वापस इसी जगह पे आ गए हैं जो कि हमारा फेवरेट प्लेस हुआ करता है गंगा के किनारे, होली रिवर गंगा सामने आपको दिख ही रही है। अभी हम लोग नीचे भी चलते हैं थोड़ा, आज गंगा जी के पास चलेंगे, रुकेंगे वहाँ पे। और गाइस ऑलमोस्ट हम लोग मतलब एकदम गंगा जी के किनारे आ चुके हैं और ये वाला नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक है गाइस। पानी बहुत ही दूर हुआ करता था बट अभी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये अभी और बढ़ेगा एक दो महीने में। और भाई पहले यहाँ पे डॉल्फिन भी देखी जाती थी बट अभी बहुत टाइम से डॉल्फिन नहीं दिख रही है। और बाकी आज अपना लाइनअप गंगा जी के किनारे कुछ ऐसा है। ओ भाई साहब आज एक और मौत, ओ भाई साहब ये जिंदा है क्या इसको निकालिए। ओ भाई बच गया। जिंदा है, रेस्क्यू कीजिए। किधर गया? तो गाइस अभी इसमें जान बची है। A few moments later. So guys, अभी मैं चला रहा हूँ R15 वर्जन 2 और अभी गाइस जो अमन है वो बैठा है पीछे क्योंकि आज अभी आंसू को नहीं अमन को थोड़ा चक्कर आ रहा था और अभी चक्कर आने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा है इस कारण से उसे चक्कर आ रहा था। तो गाइस अभी मैं उसका बाइक चला रहा हूँ और अपना बाइक चला रहे हैं ए टू बाइकर
तो गाइज़ अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे किसी कैफ़े में बैठेंगे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। थोड़ा इसको अच्छा लगेगा, बेटर फील करेगा, फिर ये भी अपने घर चला जाएगा। आज अपने एक सब्सक्राइबर से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाइज़ वो जितना प्यार से वो मुझे अभी बोल रहा था, मतलब ये भी एक, मतलब एक यूट्यूबर की लाइफ में अगर आपका सब्सक्राइबर आपको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा हो कि भैया नेक्स्ट टाइम आप आना और खा के ही जाना, और आज भी मेरे को बहुत जिद कर रहा था, तो बहुत अच्छा फील होता है यार। आप ही लोग तो फैमिली हो, प्यार हो, और ये निकली अपनी निंजा। तो गाइज आप ही लोग प्यार हो तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप लोग से मिलके, और इसलिए मैं स्पेशली भाई से मिलने चला गया था, क्योंकि भाई अभी अपने 12th में है और अभी वैसा वो निकलता नहीं है राइड वाइड पे और बाइक वाइक पे भी, तो भाई मैं सोचा मैं ही जाके मिल लेता हूँ उससे, तो मैं ही चला गया था उसके पास। तो गाइज बहुत अच्छा लगा मिलके बिफोर, और बाबू साहब के नाम से अपना आईडी बनाए हुए है इंस्टाग्राम पे। तो भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और होप सो जल्दी तुमसे दोबारा मिलेंगे। तो गाइज आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लेना। तो गाइज मिलते हैं आप किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ।